ये हमारे माशरे के अंदर चीज़ बहुत आम हो गई है कि नवाफिल की नमाज जो है ना, ख़ास तौर से ईशा के बाद की नफिल, तो वो लोग बैठ कर ही पढ़ते हैं। तो एक तसव्वुर ज़हन लोगों का बना हुआ है कि शायद ईशा की नमाज नफिल बैठ के पढ़ी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है, लेकिन बेहतर उसको भी ये कि खड़ा होकर पढ़ा जाए, क्योंकि बेवजह अगर बैठ के नफिल नमाज पढ़ी जाएगी तो उसका सवाब जो है खड़े होकर पढ़ी गई नमाज के निसफ होगा, आधा होगा। तो बेहतर ये है कि उसको खड़े होकर पढ़ा जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, प्रॉब्लम है, तो फिर उसको बैठ के पढ़ने में हर्ज नहीं, और उसके सवाब में भी उस वक्त कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन बेवजह ये तसव्वुर रखना कि शायद नफिल बैठ के पढ़े जाते हैं, यह ख़याल ही बातिल और ग़लत है। यह तसव्वुर दिल से निकाल देना चाहिए, जहन से, और हर नमाज जो नफिल हो उसको खड़े होकर पढ़ना बेहतर है और पढ़ना भी चाहिए। बाकी बैठ के इजाज़त ये है कि बस उसको पढ़ना जायज़ है, लेकिन सवाब में कमी होती है। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर, और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।